नमस्कार मॉम्स किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी मटन कड़ी इसके लिए हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी गरम करके उसमें डालेंगे मूंगफली दो बड़े चम्मच दो प्याज मोटे कटे हुए काली मिर्च एक छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच सौंफ नारियल पाउडर चार बड़े चम्मच और दालचीनी इन सबको अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मिनट तक सौते करें अब इसको ठंडा होने दे और उसके बाद ग्राइंड करके अच्छी सी पेस्ट बना लें और साइड पे रख लें। दो बड़े चम्मच घी डाल लें इसमें बारीक कटे हुए दो प्याज डालें इसमें डालें एक टमाटर अब इसमें डेढ़ बड़े चमच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लें अब इसको अच्छे से सौते कर लें एक छोटा चम्मच चिल्ली पाउडर दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी अब इसको अच्छे से सौते कर लें अब बारी है इसमें आधा किलो मटन डालने की नमक आप स्वाद अनुसार लें। इसको तीन मिनट के लिए सौते करें इसमें अब ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल दें इसमें आप पांच से छह लौंग भी डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लें थोड़ा से धनिए के पत्ते डाल दें अब इसमें पानी डाल लें अच्छे से मिक्स कर लें अब इसको पांच सीटी तक मध्यम आंच पे पकने दें चलिए चेक करते हैं कि मटन बन गया है कि नहीं यह देखिए हमारा मटन कड़ी बिल्कुल तैयार है इसको हम सर्व करने से पहले धनिए से गार्निश करेंगे आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी अपना अनुभव शेयर करना मत भूलना और कोई फीडबैक हो तो प्लीज शेयर कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरी अगली रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए नमस्ते